हेलो स्टूडेंट, आज क्लास हम बात करने वाले हैं फ्लैट बेल्ट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैट बेल्ट के डिजाइन के केस में अगर हमें कभी फ्लैट बेल्ट का मिनिमम साइज डिसाइड करना होता है तो प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग फ्लैट बेल्ट का हम मिनिमम साइज किस तरीके से डिसाइड करते हैं, और साथ साथ बात करेंगे फ्लैट बेल्ट के केस में अगर हमें प्लेट की एज के अकॉर्डिंग या प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग अगर हमें मैक्सिमम साइज हमें डिसाइड करना हो फ्लैट बेल्ट का तो हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, और साथ साथ बात करेंगे फ्लैट बेल्ट साइज के कुछ कोड के रिकमेंडेशन के बारे में। अब आगे बात करेंगे उसके बाद हम कि फ्लैट बेल्ट केस में हम इफेक्टिव लेंथ हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं या कितनी होती है, और साथ में बात करेंगे फ्लैट बेल्ट की स्ट्रेंथ हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो अब चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट बेल्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब दो प्लेटों को एक दूसरे के पिछला लेक्चर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने थ्रॉड थिकनेस और कांस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, फ्यूजन जोन वगैरह शेप ऑफ फ्लैट बेल्ट के बारे में हमने काफी डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर जरूर देख लिया होगा। इस लेक्चर को ज्यादा इफेक्टिवली समझने के लिए उस लेक्चर को आपका देखना जरूरी है। तो चलिए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें फ्लैट बेल्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराने कर हम जॉइंट कर देते हैं, बेल्ट द्वारा जॉइंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट बेल्टिंग कहते हैं। यानी फ्लैट बेल्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको एक ब्लू कलर की प्लेट नजर आ रही है, दूसरी हमारी एक रेड कलर की प्लेट नजर आ रही है। तो हमने क्या किया हुआ, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराया है, और ओवरलैप कराने के बाद में ये जो आप ग्रीन कलर का साइन देख रहे हैं ये हमारी क्या है, बेल्टिंग हमने की हुई है। तो हमने क्या किया, दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराया, और उसके बाद हमने क्या की थी, हमने क्या कर दिया इसके अंदर, हमने बेल्टिंग प्रोवाइड कर दी। यहां पर आप देख रहे हो जो ग्रीन कलर में आपको जो साइन नजर आ रहा है वो हमारे बेल्टिंग का साइन हमने यहां पर प्रोवाइड कर दिया, और हमने तो इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, फ्लैट बेल्ट हम कहेंगे। यानी जब दो प्लेटों को एक दूसरे को ओवरलैप कराकर हम जॉइंट कर देते हैं तो उसे हम फ्लैट बेल्ट द्वारा जॉइंट करते हैं, तो उसे हम फ्लैट बेल्ट कहते हैं। अब देखें जरा, अगर हमें फ्लैट बेल्ट का मिनिमम साइज, यानी हमें कितनी साइज में फ्लैट बेल्ट करना चाहिए, तो मिनिमम साइज फ्लैट बेल्ट का अगर हम डिसाइड करना है तो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। यानी हमें एक प्लेट ब्लू दे रखी है, आप समझ लीजिए कि ब्लू प्लेट हमारी कैसी है, एक थिकर प्लेट है, मोटी प्लेट है। जो रेड कलर की प्लेट है ये हमारी स्मॉल थिकनेस की है, यानी कंपैरिजन ऑफ ब्लू प्लेट, यानी हमारी ब्लू प्लेट के कंपैरिजन में हमारी जो लाल कलर की प्लेट है वो हमारी थोड़ी सी कम थिकनेस की है, लेकिन हमारी ब्लू कलर की प्लेट हमारी कैसी है, थिकर है, यानी मोटी प्लेट है। तो एक प्लेट हमारी ज्यादा मोटाई की है, दूसरी प्लेट हमारी कम मोटाई की है, तो उस केस में हम फ्लैट बेल्ट का मिनिमम साइज कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए समझते हैं। यहां पर देखें कोड का रिकमेंडेशन हम देखते हैं। तो फ्लैट बेल्ट के जो साइज के बारे में जो हमें देखने को मिलता है कोड व स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं वो हमें मिलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 816 कोड में, हमें ये देखने को मिलता है। यानी जो डाटा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वो इंडियन स्टैंडर्ड 816 कोड के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। आप चाहें तो इस कोड को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो देखें इस कोड में क्या बताया गया है कि मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट हमारा कितना होना चाहिए। तो फ्लैट बेल्ट का मिनिमम साइज के लिए डिपेंड करता है कि प्लेट की थिकनेस हमारी किस टाइप की है। तो प्लेट की थिकनेस यानी जो हमारा मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट है वो हम डिसाइड करते हैं इन दोनों में से जो हमारी थिकर प्लेट है उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम साइज डिसाइड करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन तो ये हुआ कि मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट इज डिसाइड बाई थिकर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर। यानी जो हम स्ट्रक्चर मेंबर में जो हम पार्ट यूज कर रहे हैं या जो प्लेट यूज कर रहे हैं उनमें से हमारी ज्यादा मोटी कौन सी प्लेट है, तो ज्यादा प्लेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मिनिमम साइज डिसाइड करेंगे। तो देखें यहां पर लिखा हुआ थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट, यानी जो आपकी मोटी प्लेट है या मोटा भाग जो इसके अंदर आपका प्लेट यूज की गई उसमें से जो हमारी मोटी प्लेट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट डिसाइड करेंगे। यानी बेल्डिंग का साइज कितना हो मिनिमम वो डिसाइड किया जाएगा हमारा थिकर पार्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर हमारा 10 mm तक का है तब उस केस में देखें यहां पर ओवर का मतलब है जो यहां वैल्यू लिखी जाएगी उससे ऊपर यानी उससे ज्यादा, और अप टू एंड इंक्लूडिंग का मतलब है कि जो वैल्यू यहां लिखी जाएगी वहां तक और उसको इंक्लूड भी करना है। तो यहां पर अगर हम 0 से 10 mm तक की बात करें, यानी हम 10 mm तक की अगर बात करते हैं तो उस केस में हमारा जो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट है वो 3.0 mm हम प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से मोटी प्लेट का साइज अगर 10 mm तक है या 10 mm भी है, इंक्लूड हम 10 mm को भी कर रहे हैं, तो उस केस में हम फ्लैट बेल्ट का मिनिमम साइज कितना देंगे, 3 mm प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारी 10 mm से ओवर है यानी कि प्लेट की थिकनेस 10 mm से ज्यादा है, या फिर हम बात करें 20 mm तक है या 20 mm को इंक्लूड भी कर रहे हैं, 20 mm भी हो सकती है, तो उस केस में हम बात करेंगे फ्लैट बेल्ट का मिनिमम साइज 5.0 mm हम प्रोवाइड करते हैं।
अगर हम बात करें 20 mm से लेकर 32 mm तक की प्लेट का साइज, तो उस केस में हम बात करते हैं कि फ्लैट बेल्ट हमारा कितना होना चाहिए, 6.0 mm हम प्रोवाइड करते हैं, जबकि 30 mm से ओवर अप टू 50 mm तक की अगर हम बात करें तो 8.0 mm मिनिमम फ्लैट बेल्ट फर्स्ट रन में प्रोवाइड किया जाता है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, 10 mm तक काम फ्लैट बेल्ट इसके अंदर हम प्रोवाइड कम से कम करते हैं। तो ये हमारा हो गया, यानी प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट, यानी कम से कम फ्लैट बेल्ट की थिकनेस हमें कितनी रखनी है, तो वो हमने डिसाइड किया यहाँ पर। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। और यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो 10 mm की प्लेट है उसको इंक्लूड भी करना है, यानी 10 mm तक या 10 mm की भी, इंक्लूडिंग 10 mm, तो हम कितना प्रोवाइड करेंगे मिनिमम साइज ऑफ, इसी तरीके से आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ये था हमारा मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट का क्राइटेरिया। अब इसमें एक नोट है, नोट नंबर 1। तो देखें नोट नंबर 1 क्या है कि अगर आप जब फ्लैट बेल्डिंग करेंगे, फ्लैट बेल्डिंग जब आप करेंगे तो आपकी एक प्लेट है, आप सपोज कीजिए कि एक प्लेट की थिकनेस आपकी है 19 mm की प्लेट की थिकनेस है, इसकी प्लेट की थिकनेस कितनी है 19 mm। एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, एग्जांपल अगर हम लें इसको समझने के लिए, नोट को समझने के लिए हम क्या करेंगे एग्जांपल लेते हैं। तो ये 19 mm की प्लेट है और मैं इसको कह रहा हूँ कि ये हमारी जो प्लेट है वो हमारी है सपोज कीजिए 10 mm की प्लेट है, ये सपोज कीजिए हमारी प्लेट जो है 4 mm की है, एक एग्जांपल हम लेते हैं 4 mm की प्लेट है। तो देखें जरा, एक प्लेट हमारी 19 mm की है, दूसरी प्लेट हमारी 4 mm की है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट कितना होगा, मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट इस केस में, तो हम क्या करेंगे मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट डिसाइड करने के लिए, हम देखेंगे कि थिकर प्लेट कितनी है, यानी इन दोनों में से मोटी प्लेट कौन सी है। तो मोटी प्लेट हमारी है 19 mm, तो 19 mm की प्लेट हमारी मोटी प्लेट है, और 19 mm की प्लेट किस क्राइटेरिया में आती है, तो वो हमारी इस क्राइटेरिया के अंतर्गत हमारी 19 mm की प्लेट आएगी। तो 19 mm की प्लेट के लिए हम कितना लेंगे, यानी कि 10 to 20 mm तक की अगर हम बात करें, 10 over 10 mm अप टू और इंक्लूडिंग 20 तक, यानी कि तो 19 हमारा इस क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो उसके लिए हम फ्लैट बेल्ट का मिनिमम साइज कितना हो गया, S = 5.0 mm हमने ले लिया। अब देखें यहां पर, अब हम देखेंगे कि जो हमारी थिनर प्लेट है, जो पतली प्लेट है, उसका साइज क्या है 4 mm। तो हम वही कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत अगर हमारा मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट 5 mm आ गया और मिनिमम साइज से भी कम थिकनेस है थिनर प्लेट की, तो उस केस में हमें मिनिमम साइज 4-5 ना लेकर 4 ही लेना होगा। यानी यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, देखें अब एक एक करके समझते हैं। व्हेन मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट इज ग्रेटर देन द थिनर प्लेट, इसका मतलब यह है कि मिनिमम साइज और हमारा फ्लैट बेल्ट जो है वो है किससे ग्रेटर देन है, देखें हमारा किससे ज्यादा है 4 mm, और 4 mm क्या है हमारी यहां पर थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ये क्या चीज है हमारी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो देखें जरा, आपको समझना होगा कंसंट्रेशन का, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी थिनर प्लेट। यानी मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट, तो देखो हमारे पास जो मोटी प्लेट है 19 mm है, 19 mm के अकॉर्डिंग मिनिमम साइज 5 mm होना चाहिए, तो 5 हमारा मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट हो गया। लेकिन अब हम क्या करें, व्हेन मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट इज ग्रेटर देन थिनर प्लेट, यानी हमारा जो मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट है वो थिनर प्लेट, ये हमारी कौन सी प्लेट है थिनर प्लेट, यानी पतली प्लेट है ये, तो हमारी जो पतली प्लेट है तो इस थिनर प्लेट से कैसा है ज्यादा है, ग्रेटर देन है ये हमारा। तो व्हेन द मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट इज ग्रेटर देन थिनर प्लेट, देन तब हम क्या करते हैं, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, तब हम क्या करेंगे इन दैट केस, यानी इस केस में, यानी अगर ऐसा है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन दिस केस हम क्या करते हैं S = 4 mm, 4 mm क्या है हमारी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ही टेक करते हैं थिनर प्लेट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं
कि देखें जरा यहाँ पर कि अगर हमारी दो प्लेट हमें जॉइंट की और दो प्लेटों में से एक हमारी जो पतली प्लेट है तो मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट अगर हमारा 5 mm आया है तो हमारी पतली प्लेट अगर 4 mm की है तो ये हमारा ज्यादा हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो फ्लैट बेल्ट का साइज लेंगे वो 5 mm हम नहीं लेंगे, तो फ्लैट बेल्ट इज नॉट इक्वल टू 5 mm। हमें कितना लेना होगा, हमें लेना होगा एस इक्वल टू 4 mm थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के अकॉर्डिंग। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन द साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट इज ग्रेटर देन द थिनर प्लेट, यानी अगर हमारा फ्लैट बेल्ट का जो साइज है वो पतली प्लेट से अगर ज्यादा है तो उस केस में मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट, तो हम उस केस में मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट किसके बराबर लेंगे, हमारी पतली प्लेट के बराबर, इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा, ये नोट हमारा इस बेल्डिंग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस लाइक प्री हीटिंग इज डन, यानी हम अगर सपोज कीजिए कि अगर आपका 50 mm से ज्यादा, यानी अब हमारी प्लेट जो ये है इज मोर देन 50 mm, यानी इसकी जो थिकनेस है वो हमारी 50 mm से ज्यादा है, इन दैट केस तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि प्री हीटिंग इज डन। तो प्री हीटिंग इज डन कब, तो when thickness of plate is greater than 50 mm, यानी कि हम ये कहेंगे हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लाइक प्री हीटिंग इज डन, यानी प्री हीटिंग कब की जाती है, यानी कि प्लेट को, इसका आप प्री हीटिंग का मतलब क्या है वो समझ लो, यानी जब हम बेल्डिंग करेंगे तो उस केस में जो हमारी थिकर प्लेट है, जो हमारी मोटी प्लेट है, उसे हम पहले गर्म कर लेंगे, प्री हीटिंग करेंगे, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, बेल्डिंग प्रोवाइड करनी होगी। तो प्रीकॉशंस हम लेंगे प्री हीटिंग, जैसे प्रीकॉशंस कब लिए जाएंगे, व्हेन द थिकनेस ऑफ प्लेट इज ग्रेटर देन 50 mm, तो 50 mm की अगर प्लेट ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, प्रीकॉशंस लेने की जरूरत होती है। तो ये था हमारा मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगर आगे बात करें मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट के बारे में, फ्लैट बेल्ट का देखें कोई भी क्राइटेरिया हो डिजाइन के केस में, कोई भी क्राइटेरिया हो, तो हम दो क्राइटेरिया लेते हैं, तो मिनिमम एंड एक मैक्सिमम। तो मिनिमम से हमारा कोई कम नहीं होना चाहिए, यानी नो वैल्यू शुड बी मिनिमम, मतलब मिनिमम से कभी कम नहीं होनी चाहिए कोई वैल्यू, और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम भी डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी प्रोवाइड करेंगे। तो अब देखें जरा, मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट इज डिपेंड ऑन ऑल्सो एज ऑफ प्लेट, यानी हमारे प्लेट की एज पर भी डिपेंड करता है, यानी थिकनेस ऑफ प्लेट और प्लेट की एज पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें स्क्वायर एज प्लेट, तो स्क्वायर एज प्लेट का मतलब क्या है, देखें जरा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दो प्लेटें हमने यहाँ पर ज्वाइंट की हैं ओवरलैपिंग द्वारा फ्लैट बेल्ट में, तो इसमें हमारी जो ये एज है, इस टाइप की जो एज है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर एज। और राउंड एज का मतलब क्या होगा, हमारी प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से है, यानी उसकी एज कैसी हो, राउंड एज हमारी कुछ इस टाइप की प्लेट है ऐसी, अगर ये, तो ये वाली कौन सी है, कह रहा है फॉर राउंड एज प्लेट एंड फॉर स्क्वायर एज प्लेट, तो ये वाली एज हमारी कैसी है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर एज प्लेट में हम क्या करते हैं, जितनी हमारी प्लेट, यानी अगर हम यहाँ प्लेट यहाँ पर अगर हम बेल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि बेल्डिंग के केस में, यहाँ पर हमने जो ब्लैक कलर से आपको प्रोवाइड करके दिखा रहा हूँ, ये क्या है हमारी बेल्डिंग। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ऊपर का जो इतना हिस्सा है इसको हम छोड़ देते हैं, कितना 1.5 mm तक हम बेल्डिंग इसमें नहीं करेंगे, उसके बाद हम बेल्डिंग करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि स्क्वायर एज प्लेट के लिए जो मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट है, मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट है, वो क्या करेंगे, प्लेट थिकनेस, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्लेट थिकनेस -1.5, किस में ले रहे हैं ये सारी वैल्यूज, mm में, यानी अब यहाँ पर देखें ये हमारी प्लेट है तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर का 1.5 mm पर बेल्डिंग नहीं की जाएगी, और उसके बाद हम बेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब जिस प्लेट पर अगर हम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस ब्लू कलर की प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो हमारी प्लेट थिकनेस ली जाएगी वो प्लेट ले आएगी जिस पर बेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेल्डिंग कर रहे हैं ब्लैक प्लेट पर तो ब्लैक प्लेट की थिकनेस ली जाएगी, यहाँ पर हम बेल्डिंग कर रहे हैं ब्लू प्लेट की तो ब्लू प्लेट की थिकनेस, यानी यहाँ पर भी हमें क्या होगा ना 1.5 mm छोड़ना होगा, तो हम थिकनेस लेंगे इस ब्लू प्लेट की थिकनेस। तो जो भी जिस ओर हम बेल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर हमें 1.5 क्या करना होगा, हमें छोड़ना होगा। तो प्लेट थिकनेस हमारा अगर स्क्वायर इस प्लेट है तो उस केस में हम मैक्सिमम साइज कितना लेते हैं, प्लेट थिकनेस -1.5 mm। एग्जाम्पल के लिए बात करूँ कि ये हमारा मान लो ब्लू कलर हमारी
ब्लैक कलर की प्लेट कितनी है 8 mm है, तो 8 mm में हम 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा हमारा 6.5 mm हमारा प्लेट थिकनेस कहा जाएगा, यानी प्लेट हमारा जो मैक्सिमम साइज ऑफ प्लेट बेल्ट है वो कितना हो जाएगा 6.5 mm हमें देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें फॉर राउंड एज प्लेट थिकनेस से, अगर राउंड एज प्लेट है यानी प्लेट की जैसे मैंने आपको बताया था कॉर्नर में जो बना हुआ है डायग्राम यानी राउंड एज है, तो राउंड एज के केस में हम बेल्ट का साइज मैक्सिमम कैसे डिसाइड करते हैं 3/4 इंटू प्लेट थिकनेस। प्लेट थिकनेस हम कौन सी लेंगे जिस पर हमें बेल्डिंग प्रोवाइड करनी है, तो प्लेट थिकनेस हमारी यानी हम ये कह सकते हैं इसमें कि 75% ऑफ प्लेट थिकनेस हम लेते हैं किस केस में फॉर राउंड एज प्लेट के केस में। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट। तो अब देखें मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट हो गया, मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट हो गया, यानी आपने अब तक ये डिसाइड कर लिया कि हमें बेल्डिंग का साइज कैसे हमें लेना है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड 816 में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो इस कोड को आप डाउनलोड कीजिए, आप सारे स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। समझा दिया मैंने अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूं आपको, ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, आपको अच्छी तरीके से रेडी करने हैं। अब आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट बेल्ट के, फ्लैट बेल्ट की हम स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें फ्लैट बेल्ट की, तो देखें स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई हमारा कनेक्शन कितना फोर्स बियर कर सकता है। तो स्ट्रेंथ को हम क्या कह सकते हैं, हमारा क्या फोर्स, देखें यहाँ पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अगर फोर्स बियर कर रहा है तो वो हमारा कहलाएगा, हमने क्या किया फोर्स अप्लाई कर दिया दोनों प्लेट्स पर। तो हम देखेंगे कि प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी स्ट्रेंथ मीन्स क्या समझ सकते हैं फोर्स, और फोर्स बराबर क्या होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, ये आप जानते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया, ये जनरल फार्मूला है, यानी फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, ये जनरली हम जानते हैं। बट हम बात करें इन केस ऑफ फ्लैट बेल्ट, तो फ्लैट बेल्ट के केस में अगर आप स्ट्रेंथ लेते हैं तो आप कैसे देखेंगे, इसमें जो हमारे स्ट्रेस होते हैं पिछले लेक्चर में, यानी कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर, जो हमारा पिछला लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि फ्लैट बेल्ट के केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों प्लेटों पर हमने जो फोर्स अप्लाई कर रखा है, जैसे दो प्लेट हैं इस तरीके से, तो हम क्या कर रहे हैं इसका फोर्स इधर अप्लाई है और इसका फोर्स इधर अप्लाई है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारा अगर फेलियर होगा तो इस तरीके से होगा, तो ये हमारा क्या है शेयरिंग हो रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हम जो क्रिटिकल स्ट्रेसेस होते हैं फ्लैट बेल्ट के अंदर, वो कौन से स्ट्रेस होते हैं, शियर स्ट्रेस लेते हैं। तो हम ये कहेंगे क्रिटिकल डिजाइन शियर स्ट्रेस हम जितनी हमारी परमिसिबल होगी वो हम लेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिटिकल स्ट्रेस कौन सा हम लेंगे, यहाँ पर क्रिटिकल स्ट्रेस हमारा हो जाएगा शियर स्ट्रेस, हमारा क्रिटिकल स्ट्रेस है, तो जितना हमारा डिजाइन शियर स्ट्रेस होगा वो, इंटू एरिया की बात करेंगे तो इफेक्टिव एरिया हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है इफेक्टिव एरिया क्या है, तो सपोज कीजिए यहाँ पर मैं और इसको आगे ले चलते हैं, देखें स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा मैंने माना सिग्मा एस, क्या है हमारा डिजाइन शियर स्ट्रेस या परमिसिबल शियर स्ट्रेस इसके लिए हमें दिया गया है। तो गिवन है हमारा शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव एरिया, एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हम कौन सी लेंगे इफेक्टिव इंटू विड्थ। अब देखें विड्थ की जगह हम क्या लेंगे, चलो मैं विड्थ ही लिख देते हैं यहाँ पर लेंथ इनटू विड्थ। अब हम चलते हैं इस कनेक्शन पर, तो देखें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम बेल्डिंग करते हैं तो बेल्डिंग करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, बेल्डिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर जब हम बेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है कि इस प्लेट का हमारा कुछ हिस्सा क्या हो जाता है गल जाता है, तो इस तरीके से हमें एक फ्यूजन जोन देखने को मिलता है यहाँ पर इतने एरिया में, ये हमें क्या देखने को मिलता है फ्यूजन जोन। तो इस फ्यूजन जोन में एक ट्रायंगल बनता है, यानी कि हमारा ये जो पॉइंट में ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ वो हमारा क्या है एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में हमारी जो ये ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया तो इन दोनों को क्या कहते हैं लेग लेंथ या फिर हमारा बेल्ट साइज इन दोनों के इक्वल होता है, तो ये हमारी क्या है हाइपोटेनियस है। तो अब हम यहाँ पर देखें यही आपको समझने की जरूरत है कि जो मैं यहाँ पर यानी कि इसे क्या कहते हैं इस पार्ट को रूट कहते हैं और इसे क्या कहते हैं हाइपोटेनियस, तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द हाइपोटेनियस इन ट्रायंगल इज नोन एज थ्रोट थिकनेस, तो ये हमारी क्या है ये जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी है वो टी हमारी क्या है टी इक्वल टू थ्रोट थिकनेस है थ्रोट थिकनेस, तो यही हमारा क्या होता है वीकेस्ट पोर्शन इन फ्लैट बेल्ट।
तो फ्लैट बेल्ट में जो सबसे कमजोर हिस्सा है वो हमारा क्या है, थ्रॉट थिकनेस होता है। और थ्रॉट थिकनेस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। यानी हम ये कहेंगे फ्लैट बेल्ट केस में जो हमारी स्ट्रेंथ बताई जाती है वो थ्रॉट थिकनेस के अकॉर्डिंग बताई जाती है। तो देखें, फ्यूजन जोन में हमारा क्या बना, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल में इस पार्ट को कहते हैं टो, ये भी हमारा क्या है टो, ये रूट है और ये हमारी ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है। तो रूट से लेके हाइपोटेनियस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, थ्रॉट थिकनेस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द हाइपोटेनियस इन ट्रायंगल इज नोन एज थ्रॉट थिकनेस। तो अब देखें, अब हमें इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको ध्यान देना जरा, मैंने क्या किया इस तरीके से, यहां पर भी हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल, ये हमारी थ्रॉट थिकनेस है ये। तो यहां से एक आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये जो मैंने यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, इसको देखें, ये एरिया देखें जरा आप। तो लेंथ हो गई हमारी ये और थिकनेस हो गई हमारी इसकी टी। तो वही बात कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेस इनटू लेंथ इफेक्टिव इनटू विड्थ। तो अगर हम यहां पर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसमें आता है सिग्मा एस मल्टीप्लाई बाई एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्या हो गई हमारी, ये सपोज कीजिए एल इफेक्टिव है, मान लो एज्यूम कर लेते हैं कि एल इफेक्टिव है यहां से यहां तक की लेंथ, और इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी टी। टी क्या है हमारे यहां पर, थ्रॉट थिकनेस। तो हम ये कह सकते हैं कि विड्थ हम क्या ले रहे हैं, थ्रॉट थिकनेस के इक्वल, क्योंकि यही हमारी क्या है, वीकेस्ट पार्ट इन फ्लैट बेल्ट, ये हमारी होगी थ्रॉट थिकनेस। तो अब देखें, सिग्मा एस हो गया, एल इफेक्टिव हो गया, इनटू टी हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं थ्रॉट थिकनेस की, तो और फार्मूला क्या बन सकता है। तो यहां पर हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू सिग्मा एस मल्टीप्लाई बाई एल इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाई के इनटू एस। तो देखें यहां पर ये हमारा फार्मूला निकल के आया स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट बेल्ट का। अब बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट बेल्ट की। तो देखें जरा यहां पर जो इफेक्टिव लेंथ होती है फ्लैट बेल्ट की, एल इफेक्टिव इक्वल टू टोटल एल माइनस टू इंटू बेल्ट साइज, टू इंटू बेल्ट साइज ये हम लेते हैं। तो देखें जरा एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ माइनस टू एस। तो ये हमारा क्या हो गया, एल यहां पर क्या है, एल इक्वल टू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट। अब आप देखना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उस केस में यहां पर हम एल इफेक्टिव इक्वल टू एल पुट कर देते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं इसमें, या तो हम एल इफेक्टिव ले सकते हैं या हम एल ले सकते हैं। यानी कि देखें, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस केस में हम देखते हैं कि एल इफेक्टिव और एल में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, हम ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं और एल इफेक्टिव भी ले सकते हैं। आपकी बुक्स में या ज्यादातर हम देखने को, जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि फ्लैट बेल्ट केस में हम एल इफेक्टिव ना लेकर टोटल लेंथ ले लेते हैं, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा इफेक्टिव लेंथ का अगर फार्मूला है तो हमारा क्या बनेगा, एल माइनस टू इंटू बेल्ट साइज, यानी बेल्ट साइज के दो गुने को हम माइनस कर देते हैं टोटल लेंथ में से, तो हमारा इफेक्टिव लेंथ निकल के आता है। यहां पर आपको एक नोट लिखना है, वो क्या है नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, कंपटीशन के लिए। देखें कि मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट बेल्ट, मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लैट बेल्ट, फ्लैट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन 4 times ऑफ बेल्ट साइज। ये इंपॉर्टेंट नोट है, आपको अच्छी तरीके याद रखना है। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं कि एल इफेक्टिव जो है वो कम नहीं होनी चाहिए 4 into belt size। ये आपका एक इंपॉर्टेंट नोट है कि हमारी जो एल इफेक्टिव की वैल्यू है कम से कम हमारी कितनी होनी चाहिए, फ्लैट बेल्ट के 4 गुने के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया। बाकी पिछला लेक्चर और ये लेक्चर मिलाकर अगर आप कंबाइंड देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा। जो पिछले लेक्चर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है थ्रॉट थिकनेस, या हमारा जो फैक्टर के की वैल्यू, जो हमारे फ्यूजन जोन के एंगल्स पर डिपेंड करती है के की वैल्यू, तो उसको भी हमने डिस्कस किया डिटेल्स में। तो पिछला लेक्चर और ये भी लेक्चर, दोनों ही लेक्चर आप देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। अगले लेक्चर हम बात करेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।